ब्रेक के बाद स्वागत है। बीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने न्यूज 18 से के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से खास बातचीत की है, जिसमें बिहार की राजनीति और 2024 के चुनावी रणनीति सहित कई मुद्दों पर मुकेश सहनी ने चर्चा की है। मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण यात्रा और समाज को एकजुट रखने के संकल्प पर भी खुलकर बात की है। मुकेश सहनी ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के भी कई पहलुओं पर अपनी बात रखी है। बिहार में निषाद समाज की एक महत्वपूर्ण पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, जो लोगों को यह शपथ दिला रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वो अपने मतदान को किसी भी हालत में बेचेंगे नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश जी। बहुत ही पॉपुलर ये रहे हैं, फिल्मों में भी जबरदस्त इन्होंने काम किया और जिस तरह से इन्होंने सेट्स बनाए थे वो आप लोगों को पता ही है, जिन्होंने भी देवदास फिल्म को देखा होगा। तो मुकेश सहनी का नाम बिहार के लिए कोई अनजाना नहीं है और बॉलीवुड के लिए भी अनजाना नहीं है। तो बड़ी जबरदस्त तरीके से लीड करते हैं और लोगों की जो भीड़ होती है हजारों की, वो खींची चली आती है। पिछले दिनों से लगातार ये संकल्प यात्रा कर रहे हैं, संकल्प आप निषाद समाज को संकल्प दिला रहे हैं कि वो वोट बेचेंगे नहीं। आपको क्यों लगता है कि लोग वोट बेचेंगे? जी निश्चित तौर पर निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर 25 जुलाई से ही हमने निकला है और 101 दिन का यात्रा हमने पूरा किया पूरे बिहार में। साथ ही उसमें फेज टू हर घर संकल्प अभियान पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा कराया गया और अभी 14 जगह जनसभा कराया जा रहा है पूरे बिहार में, यूपी और झारखंड में 11, बिहार में और झारखंड में 2 और यूपी में 1 जगह, जो बड़ी संख्या में सम्मेलन कराया जा रहा है जहां पे लोग आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और उनको एक ही चीज का हम लोग आह्वान करते हैं कि भाई अपने वोट को अपनी ताकत बनाओ। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था वो राजा बनता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में हमें एक ताकत दिया वोट का, और हमारे वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है और हम अपने समस्या को दूर करने की उम्मीद रखते हैं उनसे और वो समस्या को दूर नहीं करते हैं। तो आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके पास वोट है और पूरे बिहार में यूपी में मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि भाई जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद समुदाय को, निषाद के सभी उपजाति को, बिन बेलदार मुनिया मला चाहे तीरपन पर सभी को आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जबकि बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था बंगाल, लेकिन समय के अनुकूल बदलाव हुआ, राज्य छोटा हुआ और लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का और बंगाल का निषाद एक ही है। तो हमें आरक्षण चाहिए एससी का। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमारे लोग मछली मारने के लिए मजबूर है, तो इनके हक अधिकार के लिए कौन आवाज उठाएगा? तो इसके लिए हम लोग पिछले 9-10 साल से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद हम 4 विधायक भी बनाए, राज्य में अपने तरीके से हम काम भी कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये कल तक जो हमारी गुलामी करता है वो मालिक कैसे बन गया, आज ऑर्डर कैसे दे रहा है, कल तक हमारे पीछे जो घूमता था वो मालिक कैसे बन गया। तो उन्होंने फिर हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीद लिया। तो ये सारी चीजें, और अब देश में है ना, राजनीति को जो है बाजारीकरण कर दिया गया, बनी हुई सरकार को गिराना, विधायक को खरीद लेना, ये आम सी बात हो गया। ये पहले ऐसे देखने के लिए पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया। तो अभी हम लोग जब अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगला को लगता है कि जब लोग 500 रुपए में वोट बेच सकता है तो उसका वोट हम खरीदे, उसको मालिक क्यों बनाए? पहले ऐसा हुआ करता था, लोग गरीबी में अपने वोट को बेच देता था, 100-200-500 रुपया कुछ खा पी के बेच दिया करता था। लेकिन वो आज भी उन लोगों को लगता है कि भाई ये लोग गरीब, पिछड़ा, दलित है, ये लोग आज भी वोट बेच देगा, और हम जब इनके वोट बेच सकता है तो हम इनके हिस्सेदारी क्यों बनाए, हिस्सा क्यों दे, इनको मालिक क्यों बनाए, पार्टनर क्यों बनाए, हम क्यों ना रूल करें? तो ऐसे जगह पे हमने एक संकल्प यात्रा निकाला जिसमें हर एक निषाद परिवार को हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करा रहे हैं कि आपका वोट जो है आपके बच्चे के भविष्य के लिए गिरे, ना ही कि आप अपना वोट को बेचो। सानी जी, बिहार में लगभग देखिए कि पूरे देश में देखिए कि एक जो गठबंधन है वो लगभग तय हो गया। नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन है, फिर एनडीए का गठबंधन है, बिहार में भी तकरीबन जो एक शक्ल होनी चाहिए गठबंधन की वो तैयार हो गई है। आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, आपका अधिकार है, आपको जाना भी चाहिए, अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए। आपका मन जा किधर रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा? मन जाएगा, लोगों को समझ नहीं आ रहा, मन जाएगा। 3 तारीख को देश में एक रिजल्ट आने वाला है, 5 राज्य का चुनाव है, उसको देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हमारा बना हुआ है, हम चुनाव भी लड़ेंगे,
ठीक है, और मेरा मानना है कि कोई गठबंधन के साथ ही मजबूती से अच्छे से लड़ा जा सकता है और जिसमें कुछ हमको हमारी पार्टी को भी फायदा होगा कि हम भी जीतेंगे। हम लड़ के दूसरे को हरा सकते हैं लेकिन इसमें हमारा फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी हम रुके हैं, अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं यूपी बिहार झारखंड में। अभी तक तकरीबन 45 लाख से अधिक निषाद को हम हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करवा दिए कि पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ रहना है, हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बात मानेगा वो उसके साथ हम जाएंगे। बिहार में आपकी वोट नहीं, बिहार में आप कहते हैं कि आपकी अच्छी खासी ताकत है और जाहिर सी बात है कि मुजफ्फरपुर की बात करें, दरभंगा की बात करें, मोतिहारी की बात करें और भी वैशाली का एरिया है, यहाँ अच्छे खासे तादाद में निषाद समाज के लोग हैं। जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, अभी जाति आधारित गणना की है, बिहार में ओबीसी 63% है, एक नंबर में हमारे यादव भाई है 14%, दूसरा नंबर पे हम ही है 10%, तो हमारी तो ताकत है ही पूरे बिहार में है, कुछ रीजन में बड़ा संख्या में है, हम कहीं पे 10% से अधिक है, 20% है, किसी रीजन में हम 5% 7% है, तो हमारी संख्या तो 10% है ही और अभी काउंट भी हो गया। तो आने वाला समय में हम किसी के पीछे नहीं घूमेंगे, हमारे नाव पे जो बैठेगा उसको हम पार लगाएंगे। हम आप मछली नहीं मारेंगे, मतलब नहीं चाहते कि समाज के लोग सिर्फ मछली मारे, सत्ता में भागीदारी भी चाहिए। निश्चित तौर पे सत्ता पे भागीदारी हो, हमारे जो आरक्षण जो हमारा अधिकार है वो हमें आरक्षण मिलेगा तो हमारे समाज में बच्चे पढ़ लिख कर आगे डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर तक बनेगा, राजनीति में भी हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अगला को दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास ताकत है, यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास वो ताकत है कि जो हमसे गठबंधन करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा। हमसे निषाद समाज से विरोध में अगर वो उतरेंगे तो वो कम से कम 60 लोकसभा का नुकसान होगा। तो हम अभी ताकत दिखा रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट को नहीं बेचना, आप किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोचना, जो आपका सुनेगा उनका सुनना है, जो आरक्षण देगा उनकी बात करना है, जो अगर आपका दोस्त नहीं बनना चाहता है तो उसको दुश्मन बन के उसके साथ लड़ाई लड़ना है, सामना करना है। हमारे पूर्वज भी 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा तब देश आजाद हुआ है, और अपने बच्चे का भविष्य के लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। बाकी लोग तो चाहेगा कि आपके बच्चे गुलाम बन के रहे। आज ठंड का समय आ गया, दिसंबर आ गया है और आपके बच्चे ठंड में पानी में उतर कर मछली मारेगा, फिर मछली बेचेगा बाजार में, तब उसका घर का चूल्हा जलेगा। ऐसे ठंड में लोग घर से नहीं निकलते हैं, वैसे में आपके बच्चे पानी में उतर के मछली मारते हैं। तो अगर आपका बच्चे का अगर बेहतर भविष्य देखना चाहते तो सबसे पहले अपने बच्चे को दो रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, संकल्प लीजिए कि दो रोटी कम खाइए। शिक्षा का क्या लेवल है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो फोकस है बिहार में कुछ गिनी चुनी जो जातियां उसके ऊपर रह जाती हैं, और जो समाज के वैसे लोग हैं उसमें निषाद समाज भी एक बहुत बड़ा समाज है जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है और उनको उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी सही बात है। खास करके हम लोगों के लिए तो शिक्षा हमारे जो लोग हैं उनके लिए बहुत दूर था। अभी जाके थोड़ा नई जनरेशन आए, थोड़ा बच्चे लोगों पे हम लोग जो प्रचार वचार कर रहे थे तो उसमें लोग अभी थोड़ा धीरे धीरे आ गया है, क्योंकि हम लोगों का बनावट ही है घर रहने का जो है ना बिहार में होता है, खास करके नदी के बगल में, तालाब में, गांव में, एकदम जिस एरिया में पानी लगाव रहता है, लो लैंड रहता है, उस एरिया में रहता है, और उस एरिया से अगर शहर जाना है तो बहुत दूर होता है। तो हमारे जो लोग हैं वो शिक्षा से काफी दूर रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा हम लोग प्रचार कर रहे तो थोड़ा सा शिक्षा में घूम रहा है, लेकिन आज भी हम बहुत पीछे हैं शिक्षा में। अगर बिहार के अगर सर्वे होगा तो उसमें आपको दिखेगा कि बिहार में हम बहुत पीछे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव होगा, इसके लिए कम से कम सरकार का भी योगदान होना चाहिए। आज सब समय समय पर वोट ले लेते, वादा करते, लेकिन वो काम नहीं करते। आप बताइए ना, 75 साल हो गया देश को आजादी का, 77 साल, अभी एक ही जात को बंगाल में चले जाइए, पूर्णिया जिला से बगल में चले जाइए, वहां पे आरक्षण है, और बिहार में आइएगा तो आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रहा। तो इसके लिए आंदोलन करते करते पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं और मजबूती से हम अब उत्तर प्रदेश, आपने उत्तर प्रदेश में काफी रैलियां करी हैं, पहले भी की हैं और अभी भी आप करते जा रहे हैं, आपका डिमांड क्या है? और आप लगातार ये भी कहते हैं कि बीजेपी अगर ये आरक्षण दे दे तो हम साथ में होंगे। हाँ, क्योंकि देखिए ये आरक्षण जो लागू करना है वो केंद्र सरकार को ही करना है, और केंद्र में तो अभी भाजपा ही है, तो अभी काम तो उन्हीं को करना है, क्योंकि 2024 तक उनके पास समय है। अब हम तो उम्मीद उसी से करेंगे कि जो कर सकते हैं। तो अभी हमारा एक टारगेट है कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबके लिए कह रहे हैं कि हम काम करें तो मेरे लिए भी काम करें, और अभी हम उम्मीद रखते हैं कि वो करे, नहीं करेंगे। आपकी तो कई मीटिंगे भी हुई है, गृहमंत्री साहब कई बार मिले हैं, वो सब तो बाकी सीनियर नेताओं से मिलते भी रहते हैं। आप नहीं, मतलब
आप फैसला तो करिए ना, अब तो चुनाव का कहां वक्त रह गया। ठीक है, मिलना जुलना अलग बात है, फिर हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे ऊपर करोड़ों निषाद का जवाबदेही है। दोस्ती अपनी जगह पे, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम जो भी निर्णय लेंगे लोगों को मुकेश जी, लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के करीब है, अगले दिन आपका बयान आ जाता है लालू जी के फेवर में। नहीं, जो लोग अच्छे काम किए उनका तारीफ क्यों ना करें, हम लालू जी के बताए हुए, मतलब लोग तय नहीं कर पा रहे मुकेश जी जा किधर रहे। नहीं, लालू जी के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो उनका तो हम नाम लेंगे ही। रहा कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो मेरे साथ क्या किया वो पूरे बिहार को पता है। हमने उनको साथ जाके उनके 74 को विधायक बना दिया, उन्होंने मेरे पास 4 विधायक बनाए, हमारे 4 को विधायक को तोड़ के अपने में मिला लिया। हम जो सरकार बनाए थे उस सरकार से हमको बाहर करा दिए, रोड पे ला दिए। उसके बावजूद भी हम अंदर आत्मा से तो हमें बहुत तकलीफ है उनसे, लेकिन हम बिहार के राजनीति में है और हम किसी से दुश्मनी इतना नहीं करना चाहते जिसके कारण हमारे लोगों को नुकसान हो जाए। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी निषाद का आरक्षण कर दे, उनके पास फरवरी तक समय है, क्योंकि मार्च में फिर देश में आचार संहिता हो जाएगा, लागू हो जाएगा और उसके बाद चुनाव चालू हो जाएगा, तो उनके पास समय है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आरक्षण लागू कर दे, फिर वो जो कहेंगे मानेंगे। हाँ, आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मान लेंगे कि वो हमारे समाज का विरोधी है, दुश्मन है, जो हमारे लोगों के लिए भलाई का काम नहीं कर रहे, तो हम उनसे दो दो हाथ करेंगे। रहा कि अभी हमारे पास इतना वोट है, ताकत है, हम किसी के पीछे क्यों घूमेंगे। हम तो भगवान श्री राम को हमारे पूर्वज ने पार लगाया, अब हम किसी की आवश्यकता नहीं। हमारे नाव पे जो बैठेगा उनको हमारे आरक्षण लागू करना पड़ेगा तब तो बैठने देंगे, वरना उनको बैठने नहीं देगा। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार हो जाएगा 2024 में, वैतरणी पार कर जाएगा, वैतरणी नदी पार करेगा 2024 में, दिल्ली का कुर्सी पे बैठेंगे। तो हम लोग इसी तरीके से आज की तारीख में 50 लाख से के आसपास में निषाद समाज हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, सिर्फ वीआईपी पार्टी का सुनेंगे, वीआईपी पार्टी का निर्णय के साथ चलेंगे। अब वीआईपी पार्टी का निर्णय एक ही है कि निषाद समाज के बच्चे का भविष्य बेहतर हो, निश्चित तौर तभी, मतलब और बाकी लोग देश आगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। सरकार की बात है तो सरकार का काम है सबके लिए काम करे, और मेरी मांग जायज है तो मेरा काम करे, अगर मेरी मांग नाजायज है तो आके माननीय प्रधानमंत्री बता दे कि आपकी मांग जायज नहीं है, गलत आप मांग कर रहे हैं। हम बेगर ये कह दे कि हमको कल प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो ये मेरा मांग गलत होगा कि भाई बेगर बहुमत के आप कैसे बोल रहे हैं, और जिसके पास बहुमत हो वो क्यों नहीं मांग करे। तो आज जब संविधान में जब निषाद को आरक्षण है बंगाल में, तो बिहार में क्यों नहीं, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो ये लड़ाई है और आने वाला समय में उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी आरक्षण लागू करें, नहीं तो हम तो मल्लाह के बेटा हैं, हम लोग लड़ने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और आज तक जिंदगी में हमने हर चीज संघर्ष के बदौलत हासिल किया है। तो आने वाले समय में संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा, और एक न एक दिन जो है संघर्ष सफलता की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। दिए थे मुकेश साहनी जी। निश्चित तौर पे ये भी देख रहे हैं कि जो देश में राजनीति है वो किस करवट बदलती है, क्योंकि जो 3-4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं इसके बाद से स्पष्ट होगा काफी हद तक कि देश की जनता का मूड क्या है। शुक्रिया।